नमस्कार, आदाब दोस्तों। मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आज़ाद नगर परिसर में जा रहे हैं लोगों की शिकायत पर कि किस तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और किन कठिनाइयों से वो गुजर रहे हैं। चलिए लोगों से सुनते हैं उनकी अपनी ज़ुबानी। आज हम खड़े खड़ी मशीन रोड पर आजाद नगर में। यहाँ के लोग किस तरह से परेशान है यह आप देख सकते हैं। आप उनकी मुंहज़बानी खुद अपने कानों से सुनिए। आपा कुछ बताना चाहेंगे, आप क्या तकलीफ है? बताना चाहूंगी ना, क्योंकि ये 3 महीने से ये रास्ता हम लोगों का तोड़ के रखे। उन लोग काम चालू है बनाने का, तोड़ते वापस चालू करते फिर बनाते, 4 दिन काम चालू होता है उसके बाद में बंद कर देते। और हम लोगों को 3 महीने से इतनी तकलीफ है। मेमन कॉलोनी वाले लोग अपने रास्ते से जाने नहीं दे रहे। हमारे बच्चों की गाड़ी वगैरह कुछ आती है, आज उन लोगों ने भी रास्ता बंद कर दिए। कोई बोलता है कि गयासुद्दीन भाई बना रहे, कोई बोलता कि ना। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से परेशान है। सारी आवाम रोड पर आ गई है, इनकी आवाज़ प्रशासन तक हमें पहुँचानी है कि आखिर अगर यदि यहाँ पर कोई भी हादसा होता है, जैसे कि कभी अल्लाह ना करे कोई आग लग गई या किसी को अस्पताल की फौरन जरूरत पड़ी एडमिट करने की, तो अंदर ना ही एम्बुलेंस जा सकती है ना ही फायर ब्रिगेड, यहाँ तक के बाइक आने जाने का भी रास्ता नहीं है। हर 15 दिन में कॉन्ट्रेक्टर बदली होता है, कॉन्ट्रेक्टर को पैसा नहीं मिलता है। वो बोलते हम लोग खुद परेशान है, जब हमको पैसा मिलेगा तो हम लोग काम करेंगे। वो लोग खुद काम करके बोलते हम लोग के खुद घर में खर्चा पानी नहीं चल रहा है, तो सिर्फ आजाद नगर को यही सताया जा रहा है। 15 दिन से तो काम बंद है, कहाँ से काम करेंगे? 3 महीने से मतलब लगातार ये काम ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। पेंडिंग है और 15 दिन से तो समझो कॉन्ट्रेक्टर खाली आ रहा है, बोलता है आज माल गिरेगा कल माल गिरेगा, माल गिर नहीं रहा है, वो बेचारा रिटर्न आके जा रहा है। महानगर पालिका पैसा नहीं दे रही है, महानगर पालिका से पैसा नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ? बोले कॉन्ट्रेक्टर एक ही बात, हर हफ्ते में आता है, एक राउंड मारता है, थोड़ा काम करता है, चले जाता है। थोड़ा काम किया वही लकड़े बम्बू खोलता है, लकड़े बम्बू तोड़ देता है। अब यहाँ एक प्रेगनेंट औरत को लेके जाने का था अर्जेंट में, अब यहाँ ये रास्ता देख लो कैसा लेके गए आप सोच लो। एक्सीडेंट हुए थे वो भी निकाले थे बहुत मुश्किल से। यहाँ पे कचरा साफ है ना, गटरे साफ है और ना तो शौचालय यहाँ पे है। शौचालय में जेंट्स लोग के लिए 2 ही दरवाजे वाली, जेंट्स लोगों को इतनी तकलीफ है। लेडीज में ना दरवाजे है ना जेंट्स में दरवाजे, कैसा मुश्किल से लेडीज जेंट्स एक ही में जाते, जबकि एक शौचालय चालू है और एक जो नवी है वो चालू नहीं करे। बोलते अभी वो फुल डाउन करेंगे और वो नवी वाली चालू करेंगे, मतलब ही क्या है? जो जब तक के लोग क्या करेंगे? हाँ, जो चालू है उसी को चालू रहने बोलो, नवी वाली को चालू करने मत बोलो। क्यों तो ना उधर पानी की सहूलत, पानी की भी सहूलत नहीं है, खाली दरवाजे लगाने का और साफ सफाई करने का, ना पानी की सहूलत है ना कोई पो नहीं है। उसको तोड़ के कुछ नहीं के बोले तोड़ के बनाएंगे, तो वो इतनी कमजोर नहीं है जो उसको तोड़ के बनावे। उसके अंदर दरवाजे खाली लगा देवे, साफ सफाई करा देवे, पानी की सुविधा हो जावे, सब सही रहेगा। वो शौचालय कुछ जरूरत नहीं तोड़ने की। कि इलेक्शन जीते बाद आजाद नगर पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। आजाद नगर लावारिस के लावारिस के पड़ा है। अवार्ड साहब ने जो रोड बनाए थे इधर पे, बस वही बनाए, बस अवार्ड साहब ने रोड बनाए थे, बस वही रोड बनाए, उसके बाद इधर कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। कचरे की गाड़ी आती थी, अभी कचरे की गाड़ी, कचरे वाला बोलता भाई रास्ता ही नहीं, मैं कहाँ से आऊँ? मैं मनपा प्रशासन से विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ की तकलीफ पर अपनी नजर डाले। ये तो पढ़ले चढ़ के जा सकते, पढ़ले ये तो कितनी बार शुगर है, बीपी है, हमारा दवाखाने ले पढ़ून के लिए हमें पढ़ून के लिए तकलीफ होती है, हमारा येने जाने की। हाँ, कवापासून तो चालू है, तर अजून काय पण नाही सरळ रस्ता होत। हाँ, कसं काय करायचं, चक्कर येते आम्हाला, किती सिरियस आहेत लोक। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग इंसान भी किस तरह से परेशान है। यहाँ के लोग आखिर अपना इंसाफ के लिए किस जगह पर जाना चाहते हैं आप खुद समझ गए होंगे। पूरी आजाद नगर की पब्लिक मेन रोड जाम करके बैठ जाएंगी, आवाम इतनी परेशान है कि आप आवाम रास्ते पर उतरने की सोच रही है। उसके बाद जब तक MLA नगर सेवक सब नहीं आएंगे तो पब्लिक नहीं उठेंगी और फिर ये पब्लिक को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है। लिया गया था मगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं इन लोगों ने अर्जी भी की थी, मगर उसके कोई जवाब नहीं आया, ना ही इनको अर्जी का कोई जवाब मिला है और ना ही कोई इस पे कार्रवाई हुई है। और अब हम लोग और 2 दिन देखेंगे तो सब मिल के बोले धरना हम लोग करेंगे। पूरी
जनता ने सिर्फ दो दिन का टाइम दिया है लोगों को कि जल्द से हमारी तकलीफ पर अपनी नजर डाले, वरना हम रास्ते पर उतर जाएंगे। नगर सेवक के पास में ये आपा गए तो नगर सेवक ने क्या जवाब दिया सुनो, कचरे के बाजू में घर क्यों बनाए तुम लोग। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैं मंत्री प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द आजाद नगर के परिसर की तकलीफ पर अपनी नजर डाले और यहाँ के लोगों की तकलीफों को आसान करे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूले।